उस्ताद पावे कोई भी होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने दोस्तों के साथ उस्ताद की शान में कलाम शेयर कर रहे हैं। एक मासूम सा बच्चा असेंबली में खड़ा होकर उस्ताद की शान में कलाम पढ़ रहा है। दोस्तों, माँ बाप के बाद जो सबसे अजीम दर्जा है वो उस्ताद का है। अगर आपके ज़िंदगी में एक अच्छा उस्ताद आपको मिल जाए तो आप ये याद रखना कि आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। उस्ताद पावे कोई भी होवे, उस्ताद पावे कोई भी होवे, होता अजमत वाला उस्ताद माँ प्यो दी जा होंगे इना दा रुतबा आला। बुजुर्ग ने फरमाया, बच्चे बाग दे फुल होते ने, बच्चे बाग दे फुल होते ने, उस्ताद इना दे माली, उस्ताद न हो बेटे न हो भी देश विच खुशहाली। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि तमाम स्कूलों के असातिज़ा को चेक किया जाए, इनकी तालीमी काबिलियत चेक की जाए और इसके साथ साथ स्कूलों में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को इखलाक और इनकी तरबियत की जाए और तरबियत भी इस्लाम के मुताबिक, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके। आजकल हमारे स्कूलों के हालात बड़े ही ख़राब थे, यहाँ तक कि आजकल तो बच्चे असातिज़ा के गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं। शायद इसी वजह से हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। जो कौमें अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, वो दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में ये ऐलान किया जाए कि एक पीरियड 20 से 30 मिनट का इखलाक और तरबियत का होगा और इसमें इस्लामी तरबियत की जाएगी बच्चों की, ताकि पाकिस्तान में जो जना के बढ़ते हुए वाकयात, जो चोरी के बढ़ते हुए वाकयात और माँ बाप के साथ बुरा सलूक, ये सब ख़त्म हो सकें। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।